ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕਾਕਾ ਇੱਕ ਜਨਾ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਚੁੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੀ ਆ ਨਾ ਕਰੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਰਾਓ ਮੂੰਹ ਮਿਠਾ ਉਹ ਬੇਟਾ ਮੂੰਹ ਮਿਠਾ ਦੋ ਮਿੰਟ ਬਾਂਧੋ ਬਾਂਧੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤ ਦੇਖੋ ਹਾਂਜੀ ਖਿਲਾਓ ਥੈਂਕ ਯੂ 1 2 3 4 ਹੈਲੋ ਚੈੱਕ ਚੈੱਕ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਚੈੱਕ ਆਓ ਬੇਟਾ ਇੱਧਰ ਆਓ ਇੱਧਰ ਆਓ ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰ 3 ਜਾਂ 4 ਬੇਟਾ ਦੋ ਡਿੱਬੇ ਚਾਹੀਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ
ਜੀ ਖਿਲਾਣਾ ਮੈਮ ਖਿਲਾਣਾ ਫੇਰ ਫੜੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਧਰ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਉਧਰ ਹੈਲੋ ਕੋ ਦੇਣਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਖਾਓ ਚਲੋ नहीं बहुत अच्छा लग रहा है, लोग हमारे पास आए हैं यहाँ पर हमारे को राखी बांध रहे हैं और जो है हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है इस चीज़ के लिए, हम बहुत खुश हैं इससे। क्या लगता है इन्होंने? हाँ, इन्होंने हमारे परिवार की जो कमी थी, सभी जो हमारे और फौजी भाई हैं सबकी कमी को पूरा कर रहे हैं लोग और हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है, हम इस चीज़ के लिए इनका धन्यवाद अदा करते हैं। मेरा नाम प्रेरणा कुंद्रा है, मैं आज यहाँ बॉर्डर पर जवानों को राखी बांधने आई हूँ ताकि उनको ये ना लगे कि परिवार से दूर होते हुए भी वो राखी नहीं बनवा सकते, तो उनकी ये कमी हम पूरी करेंगे। हाँ जी, उनका मनोबल बढ़ेगा, उनको ये तो एहसास होगा कि वो हमारी सुरक्षा कर रहे हैं और हम भी उनके साथ हैं। मेरा नाम हरमन है। क्या नाम है? बॉर्डर पे राखी बांधने के लिए क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये बोलना चाहती हूँ, जैसे ये सारे हमारी रक्षा करते हैं, अपने बहनों से दूर रहते हैं, ऐसे हम अपने भाइयों के जैसे इनको राखी बांधने आए ताकि इनको अपने बहनों की कमी महसूस ना हो। क्या समझते हैं कितना मनोबल बढ़ेगा? बहुत मनोबल बढ़ेगा क्योंकि ये सभी अपने बहनों से दूर रहते हैं, इनको थोड़ा सा होता है कि मेरी बहनें पास नहीं है, ऐसे अगर हम उनको राखी बांध लाएंगे तो उनको बहुत अच्छा। हाँ बेटा, आज रक्षाबंधन का दिन है, ये हमारा राष्ट्रीय त्यौहार भी है, धार्मिक भी है, सामाजिक भी है। भाई बहन को राखी बांधना सामाजिक काम है, लेकिन देश की सुरक्षा में खड़े जवानों को राखी बांधना हमारा राष्ट्रीय ड्यूटी भी है, ये राष्ट्रीय पर्व भी है। और अब हम जो राखी बांधते हैं उसमें चाहे महिला बीएसएफ की कर्मचारी हैं या पुरुष हैं, जो हाथ देश की रक्षा करता है उसको राखी बांधते हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि आज मेरी जो राखी अमृतसर में शुरू की हमारी बहनों की, उसको 49वां वर्ष आज शुरू हो रहा है। 1968 में ये राखी बनानी शुरू की थी और आज आप ये देखिए बॉर्डर पर मेला लगा हुआ है, अब हर संस्था उठ के आ रही है, मुझे बहुत खुशी है। और मैं उस दिन की प्रतीक्षा करती हूँ जिस दिन देश की हर सीमा पर देश की बेटियाँ पहुँचें और अपने जवानों को राखी बांध के शुभ कामना दें, संकल्प लें।